सेंट विसेंट पलोटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की टीम अश्वराइडर द्वारा निर्मित वाहन ब्लैक स्टेलियन ने हाल ही में प्रीतमपुर इंदौर में आयोजित बाहा एसएई इंडिया 2023 में राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार जीता है। बाहा एसएई इंडिया मुख्य रूप से छात्रों को सिंगल सीट फोर व्हीलर ऑफ रोड वाहन के डिजाइन, निर्माण और सत्यापन का कार्य देता है। इस कार्य को पूरा होने पर वाहन को 4 दिनों की अवधि में प्रतियोगिता के एक श्रृंखला में भाग लेने का अवसर दिया जाता है, जिसमें ध्वनि इंजीनियरिंग के लिए वाहन का परीक्षण किया जाता है। इसमें विशेष रूप से वाहन की चपलता, ग्रेडेबिलिटी, गति, त्वरण और गतिशीलता विशेषताओं और अंत में कठिन स्थायित्व परीक्षण का सामना करने की क्षमता सभी को परीक्षकों द्वारा देखा जाता है और तदनुसार अंक दिए जाते हैं। प्रतियोगिता छात्रों को औद्योगिक तरीकों और प्रक्रियाओं का अनुभव प्रदान करती है, जहाँ छात्रों को अवधारणा से उत्पादन तक सभी प्रक्रियाओं में अनुभव प्राप्त होता है। यह टीम अश्वराइडर द्वारा डिजाइन और निर्मित 10वां वाहन था। बाहा एसएई प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करने वाला 7वां वर्ष था। टीम ने इस आयोजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और सीजन के उच्चतम अंक बनाए, 115 में से अखिल भारतीय रैंक 1 हासिल किया, जिसमें एनआईटी, आईआईटी और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल है। मैं सुरेंद्र गोले बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ सेंट विंसेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नागपुर। आज हमारे कॉलेज की स्टूडेंट्स की टीम ये अश्वराइडर नाम की ऑल टेरेन व्हीकल कैटेगरी में अभी जो नेशनल लेवल कंपटीशन हुआ था उसमें 183 टीम्स में आईआईटीज और एनआईटीज भी काफ़ी टीम थी, ये सारी टीम्स में नंबर 1 रैंकिंग लेके आई है। सो वी आर ओवरऑल चैम्पियंस और 8 कैटेगरी में इंडिविजुअल कैटेगरीज में भी चैम्पियनशिप मिली है, जैसे कि एंड्योरेंस टेस्ट, एक्सेलरेशन टेस्ट, ये सारी कैटेगरी में चैम्पियनशिप बच्चों को मिली है। पिछले 10 साल से कॉलेज इस प्रकार की कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहा है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि हमको नेशनल लेवल का फर्स्ट रैंकिंग मिला है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसी, बीसीएन न्यूज़, नागपुर।